Wahnsinn überhaupt, wir müssen gehen, wo ist er hier? ये तो एंगल है है ना, ये एंगल है और इस एंगल का साइन का ये वैल्यू है, ठीक है। जैसे आप साइन इनवर्स एक्स लिखते हो, जैसे थीटा ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। ये साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यही एक्स ने लिखा हुआ साइन इनवर्स करके, इसको फ्रैक्शन में कर दो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आ जाएगा, समझे। एक्चुअली परपेंडिकुलर, जैसे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन इनवर्स ये x बाय जैसे 1, जाहिर है x का वैल्यू -1 से +1 के बीच हो, ठीक है। तो एक्चुअली परपेंडिकुलर का लेंथ है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इनटू सम कांस्टेंट रेशियो है ना, 1 इनटू सम कांस्टेंट। तो चूंकि निकालेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, हाइपोटेनस ना जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू के, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है जी, तो ये हो गया वन इंटू के, ये हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन होगा, रूट से बाहर है, ठीक है। जब हम लोग रेशियो लेंगे, यही एंगल है मान लो थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा आपको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये कट जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब में, यही तीनों का ना रेशियो आता है जी, बी बी और एच, ये के कट जाएगा, मेरे बात समझ में आ गई, तो वो के लगाने का जरूरत है नहीं, ठीक है। सीधा आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, साइन इनवर्स है ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। आप ये बेस निकालिए, ठीक है, तो आपको टेन इनवर्स लिखना है, तो टेन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, समझ गए कि नहीं। इसी तरह से कुछ भी आपको, जैसे कॉस इनवर्स लिखना है, साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स, इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, समझे। इसी तरह से आप दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे, समझे बात को कि नहीं, समझ गए। जैसे मान लीजिए tan इनवर्स 4/3, अब ये साइन इनवर्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 4/3, हाइपोटेनस निकालिए 5 हो जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स 4/3 cos इनवर्स में इसको कन्वर्ट करना है, तो बेस बाय हाइपोटेनस 3/5, समझ गए, ठीक है। साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय। अब देखिए साइन इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स से आगे जो नंबर आए वो एक या फिर एक से कम है, ये सब एक से कम है, ठीक है। इसी तरह से आप अगर कॉट इनवर्स करना है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा 3/4, समझ गए। इसी तरह से आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक सवाल लेते हैं, साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस कॉस ऑफ टैन इनवर्स एक्स x square plus 2 by x square plus 1 तो पूरे का स्क्वायर होता है, x square plus 1 x by
इनवर्स एंगल है, ठीक है। अब देखिए अंदर से आइए, ये तो एंगल है, ये समझिए थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये समझिए थीटा, ठीक ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, टेन इनवर्स एक्स है, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेनस निकालिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है, ये थीटा। अब आपको लिखना है कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ कॉट इनवर्स, ठीक है, ये थीटा है ना, थीटा यही एंगल हुआ, यहां समझिए थीटा हुआ, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स लिखिएगा, टेन वर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कीजिएगा, समझ गए। तो क्या हो जाएगा बेस है ना, बेस बाय हाइपोटेनस, तो कॉस ऑफ यहां पर क्या लिखेगा कॉस इनवर्स वन बाय कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, हमें से एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा, हम पूरी बात लिख देते हैं, हालांकि नहीं लिखना था, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स हो जाएगा वन बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साइन कॉट इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा वन बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब उधर का भूल जाइए, कॉट इनवर्स आ गया, इसको साइन इनवर्स में लिखेंगे, तब ना साइन ऑफ साइन इनवर्स, समझ रहे जैसे वहां की, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, कॉट इनवर्स आ गया, टैन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस ऑफ द टैन में बेस बाय परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो हाइपोटेनस निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से, बोलिए इसका स्क्वायर जोर इसका स्क्वायर का स्क्वायर, यही शायद पाइथागोरस थ्योरम में आता होगा, तो उतना ही आएगा, समझ गए। तो क्या होगा कॉट इनवर्स के बदले हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस नहीं हाइपोटेनस, साइन ऑफ, अब ये कॉट इनवर्स साइन इनवर्स में इसको कन्वर्ट करना कॉट इनवर्स को, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस रूट अंडर 2 प्लस एक्स स्क्वायर ना, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो फिर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, हमें से एक्स होता है, ये हो जाएगा एक ही स्क्वायर रूट में ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई, समझे।
हो गया। अब देखिए कॉट का नेचर देखिए, देखिए हम आपको फिर से एक बार दोहरा रहे, साइन थीटा ये तो एंगल ही ना है, ये एंगल हुआ, एंगल क्या है 30 से बड़ा है, ये एन क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो साइन थीटा में देखिए एंगल अगर बढ़ाते हो तो साइन थीटा का भी मान बढ़ता है, जैसे 0 से 90 जाए थीटा बढ़ाए साइन थीटा का मान बढ़ता है, ये थीटा बढ़ाओगे तो साइन भी बढ़ेगा, टेन भी बढ़ता है, थीटा अगर बढ़ाते जाओगे 10 0 0 एंगल बढ़ा करके थीटा को 90 कर दो तो इनफिनिट चला जाता है, कॉट इसका उल्टा होता है, समझ गए, टेन का उल्टा होता है, एंगल बढ़ाओगे तो कॉट का वैल्यू घटेगा, ठीक है, ये थीटा का मान बढ़ाओगे तो कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट 0 इनफिनिट हो जाता है, कॉट पाई बाय 2 0 हो जाता है, समझे, टेन इसका ठीक उल्टा होता है, 10 0 0 टेन पाई बाय 2 इनफिनिट, ठीक है, नहीं समझे। अगर मान लो ये आप क्या कहते हैं कॉट थीटा बराबर 1 के, थीटा पाई बाय 4 लेना पड़ेगा, कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, अगर आप चाह रहे हो कि कॉट थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए, 1 45 पर हुआ, थीटा 45 करोगे तो ये 1 हो गया कॉट थीटा, क्लियर, अगर आप चाहते हो कि ये वैल्यू कॉट थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए तो थीटा का वैल्यू 45 से कम करना पड़ेगा, समझे, कम पर ज्यादा देगा, ज्यादा पर 0 कर दोगे तो इनफिनिट हो जाएगा, लिख ही नहीं पाओगे, क्लियर क्लियर, ठीक है, वही चीज यहाँ पर है, उसी तरह से कॉस भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस थीटा में भी थीटा बढ़ाओगे तो कॉस थीटा का वैल्यू घटता है, कॉस 0 ही 1 हो जाता है, उसका मैक्सिमम मान हुआ, एंगल 0 से 90 की तरफ ले जाओ कॉस का वैल्यू 1 से घट करके 0 की तरफ चला जाता है, ठीक है, वो उल्टा होता है, ये साइन इंक्रीजिंग है कॉस डिक्रीजिंग है, सेक हो गया कॉस का उल्टा नहीं है, ठीक है, सेक पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा, sec 0 1 से इसमें बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, sec में बढ़ेगा, cos का उल्टा है, cos घटता है तो sec बढ़ेगा, ठीक है, होगा कि नहीं, उसी तरह से तो sec भी बढ़ेगा, नहीं मतलब आपको ये मतलब घटेगा, sin का उल्टा हुआ sin बढ़ेगा, cosec cosec 0 इनफिनिट हो जाता है, अब पाई बाय 2 पर 1 हो गया, इनफिनिटी से 1 घटते हुए, ठीक है, यहां पर देखिए जो हम बोल रहे बढ़िया, ये एंगल है, हम आपको क्या बताएं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, ये एंगल है छोटा से छोटा एंगल है और इस एंगल का साइन का ये वैल्यू है, साइन लेंगे इस एंगल का साइन लेंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, वही ध्यान दीजिए साइन को छोड़िए, यहां पर देखिए ये पूरा एंगल है और इस एंगल का साइन का ये वैल्यू है, ठीक है, मान लो इसका वैल्यू हम यहाँ पर एक्स वन देते हैं, इसके लिए एक एंगल मिलेगा पाई बाई टू, नहीं है पाई बाई टू, ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ वैल्यू जो है कम करेंगे, यहाँ वन से ज्यादा यहाँ लिख ही नहीं सकते, कम अगर करेंगे, अगर इसको हम हाफ करना चाहे तो वैल्यू घट गया, तो एंगल भी आपको घटाना पड़ेगा, बढ़ाने पर साइन है, बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटाने पर घटेगा, अगर ये कॉस इनवर्स है, ठीक है, तो यहां पर अगर हम मान लो 0 डालते 1 डालते हैं तो ये 0 आ जाएगा, 0 1, ठीक है, अब इसे मान बढ़ा तो नहीं सकते यहां पर, अब कम करेंगे, ठीक है, कॉस इनवर्स है ना, तो अगर आप इसका वैल्यू कम करेंगे तो इस एंगल को बढ़ाना पड़ेगा 0 से, बोलिए भेजा का ढक्कन खोलिए, समझे, उसमें क्या था, घटाए थे तो घटाना पड़ा, साइन है बढ़ाएंगे तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या कि वैल्यू घटाए तो एंगल बढ़ाना पड़ेगा 0 से, समझ गए, ना 0 से 60 जाना पड़ेगा, समझे, तो कॉट भी क्या है डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है नहीं है, कॉट 0 इनफिनिट हो जाता है, एंगल बढ़ाओगे तो कॉट का वैल्यू घटेगा, समझ गए, कॉट पाई बाय 6 का वैल्यू कितना, कॉट पाई बाय 6 का वैल्यू √3, कॉट पाई बाय 6 √3, ठीक है, अब इस एंगल को आप 30 से पाई बाय 6 से बढ़ा रहे हो, देखिए एंगल बढ़ाने से कॉट का ये एंगल है और इस एंगल का ये कॉट का वैल्यू है, ये एंगल है इसका कॉट, इस एंगल का कॉट लोगे तो ये नंबर आएगा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बराबर, ठीक है, इस एंगल को आप 30 से बड़ा कर रहे हो तो इसका वैल्यू
रूट 3 से घटेगा कि बढ़ेगा? देखो जो खाली दूसरे का साथ मत दीजिए, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एंगल बढ़ेगा तो कॉट का वैल्यू घटेगा। इस एंगल पर कॉट का वैल्यू रूट 3 आता है, ठीक है, 5/6 पर कॉट का वैल्यू रूट 3 आता है। तो एंगल को, ये एंगल को आप 5/6 से बड़ा कर रहे हो, तो है ठीक है, तो 5/6 से बड़ा कर रहे हो तो कॉट का वैल्यू क्या होगा? रूट 3 से घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, घटेगा ना जी। ये क्या है? ये है, ये पूरा है एंगल, ये है उसका कॉट का वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? रूट 3 से घटेगा, क्योंकि ये एंगल ले रहे हो 30 से ज्यादा, ये है एंगल के कॉट का वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है 30 पर रूट 3 होता है, तो रूट 3 से कम जाएगा, नहीं समझे? सो एन बाय पाई इज लेस देन रूट 3, समझे? ठीक है, नहीं तो कॉट वॉट लेते, दोनों तरफ कॉट ले लीजिएगा, पता चलेगा किसी में 3/6 में सही जाएगा, 3/6 में गलत जाएगा, इसको उल्टे कर दीजिएगा। कॉट ले लेते हैं दोनों तरफ, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स है, वो एक्स होता है, सर बताए थे इधर एन बाय पाई, इधर कॉट पाई बाय 6 रूट 3 है ना, एन बाय पाई ग्रेटर देन रूट 3, ठीक, और आंसर गलत आता है तो उल्टा हो गया, समझे? तो सार की तरह नहीं करना है, तो बताया है, समझाया है, ठीक है। तो ये क्या पाई का वैल्यू लगभग, चूंकि आपको अंदाजा लेना होगा कि एन का मैक्सिमम वैल्यू, एन क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा एन रूट 3, देखिए लगभग 1.7 रखिए है पाई का वैल्यू 3.14, 17 51 लगभग 5 से ज्यादा लेकिन 6 से कम, ये नंबर क्या है 5 से ज्यादा लेकिन 6 से कम है, नहीं है? तो एन का वैल्यू अभी जो दिख रहा है वो 5 से है ना जी, ये कितना होगा जरा देखिए ना, गुना करके देखिए 3.18, ठीक है, तो उससे कम लगभग, एन इज लेस देन कितना मतलब 5.32 इन्हें रखो, 5 से थोड़ा बड़ा हुआ 6 से लेकिन कम है, एन कम है, एन के पास एन एक नेचुरल नंबर है, ये नंबर जो है इस नंबर से कम, इस नंबर से कम बहुत सारा है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, एन क्या है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 होगा, और एन क्या है कैलकुलेशन में इस नंबर से कम, और एन का क्या निकालना मैक्सिमम मान, इस नंबर से कम जो नेचुरल नंबर बचा वो 5 4 3 2 1, मैक्सिमम इसमें कौन सा मैक्सिमम एन बराबर हो पा, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? इसी तरह से जिसमें इंक्रीजिंग, ये तो जस्ट हम बता, 6 वर्ष में से कोई भी दिया जा सकता है, उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा जैसा हम एक बताएं, बाकी यहाँ पर साइन इनवर्स भी जा सकता है, ठीक है, तो जैसे बताए वो समझ करके कीजिएगा। बारह साढ़े 12 बजे
plus y plus z equals to x, y, z. याद कीजिए एक चीज है, आप कंडीशन डिफोमेटिकल आइडेंटिटीज याद किए, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर वाई, पहला तीन रिजल्ट, देन 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a इनटू 10b इनटू 10c, पहला तीन रिजल्ट हम बोल रहे हैं। फिर दूसरा था cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a बराबर वाई, तीसरा था 10a बाय 2 इनटू 10b बाय 2 प्लस 10b बाय 2 इनटू 10c बाय 2 प्लस 10c बाय 2 इनटू 10a बाय 2 इक्वल टू वन। ये तीनों रिजल्ट जो है सिर्फ a प्लस b प्लस c पाई नहीं, इनफैक्ट n पाई, यानी n क्या है, इंटीजर, जिसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगा प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, जनरल वैल्यू जीरो डालने से आता है जो, बोलिए न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल जीरो, माइनस वन दोगे तो माइनस पाई हुआ, माइनस टू दोगे तो माइनस टू पाई हुआ, सब के लिए रहेगा, सबसे छोटा यही तो आएगा, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, क्लियर। और इनवर्स में आप क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल, क्लियर। यहाँ पर देखिए ये तीनों तो एंगल है, ये तीनों एंगल है कि नहीं, ध्यान से देखोगे बड़ा इजी है, नहीं तो बहुत ही कठिन है, समझे। अब बीच बीच में ऑफ हो जाइएगा या बस देख रहे कि सर अपना कर रहे हैं बैठे हैं, अरे कर रहे हैं वो होगा ही नहीं, और हर वो हम आपको बता दें कि अभी ये सिचुएशन ऐसा है कि जो कमजोर लड़का है थोड़ा भी, वो इतना कमजोर हुआ जा रहा है, अब वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा, उसको आदत पड़ गया है, और जितना ये ऑनलाइन वगैरह समझो ये आ गया है ना, वो दिया है सस्ते में, अरे सस्ते में, इसमें हम बोले पढ़ाई लिखाई में खर्च होता है, वो सस्ते में हो गया अवेलेबल, अब वो घर बैठे उसको आदत पड़ गया है, घर का भी काम कर रहा है ये भी कर रहा है, वो आप ले लिया, अब वो कुछ नहीं होना है उससे, अब वो एक समय जब है वो फेज खत्म हो जाएगा, फिर आप लाख छटपटाओ कितनों बढ़िया गुरु के पास चले जाओगे कुछ नहीं होगा, वो एक फेज होता है, उसी समय तक आप प्रयास करते, जैसे आप एमसीए का मान लो एक बार फेलियर हो गए दोबारा हो गए, लाइफ में कहता सेकंड चांस सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, हर किसी आर्मी के पास भी प्लान बी रहता है, प्लान ए अगर फेल हो गया तो प्लान बी तुरंत जो है एग्जीक्यूट करता है, दो तो रहना चाहिए, अकेले एक पर नहीं विश्वास कर सकते, धोनी एक मैच जिम मैच में जीरो आउट हो गया तो अगला मैच में क्या निकाल दिया गया था, क्या कई बार हुआ है ऐसा, धोनी धोनी है, हो गया समझ गए, तो हमें से मौका तो देना ही है। अब वो होता है कि आपको उस पीरियड में एकदम से आदत पड़ गया है, नो ड्रेस नो कुछ ऐसे ही है, कच्चा बनियान पहने आप पढ़ भी ले रहे हैं, वैसे पढ़ा जाता है, स्कूल जाते तो वैसे जाते हैं, मतलब ड्रेसअप होकर के, तो स्कूल नहीं जाए बंद कर दे स्कूल जाना, सब कुछ तो है, किस क्लास से ढूंढोगे सब मिला हुआ है, भेज दे वहां पर, जब तक आई कांटेक्ट नहीं हो, होगा वो इंप्रेशन पड़ेगा ही नहीं, इतना बड़ा बड़ा लोग सब आ करता है कहीं नहीं, कॉन्फ्रेंस का वीडियो कॉन्फ्रेंस वैसे ही कर देगा, बड़ा बड़ा स्टेडियम में लगा देगा स्क्रीन, अब वहीं से मोदी जी भाषण देंगे सब सुन लेगा, जवाब जाएगा कोई मैदान में सुनने के लिए स्क्रीन पर नहीं जाएगा, वो इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, तब तो इतना खर्चा होता है फेस टू फेस, समझ गए, वो चीज हो रहा है, और ये संभाले नहीं संभलेगा, और उसको हमेशा लेगा कि अगर हमेशा है कि मेरा होना ही नहीं है, अब उस दर्जे के स्टूडेंट के मन में ये बैठ जाएगा कि मेरा तो होना ही नहीं, तो खाली करने का नाटक करेगा, तो कुछ नहीं तो कोई कुछ तो करना, परीक्षा देना परीक्षा आएगा, एक आध बार देगा नहीं फिर प्राइवेट पर चला जाएगा, और आप लोग पढ़ाइए भीड़ उसमें हमारा, समझे, या वहां लाखों खर्च कर दीजिएगा, लेगा ही लेगा,
गए वहां कर दिया, यहाँ पर आपका बुद्धि नहीं काम कर रहा है, ये होता है। वो नहीं पढ़ने का नतीजा इतना खराब हुआ है उस बीच में, जो थोड़ा सतर्क है, जिसके गार्जियन सतर्क है, वो काम कर रहे हैं, वो बच गया या बचा रहे हैं, बाकी सब जा रहा है। अरे हम लोग यही काम किया है जी, ये समझ रहे हैं किससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बच्चा है बहुत के गार्जियन नहीं, उतना जो कहता है वही वो समझ लेते हैं, उतना नहीं सोचते, समझते हैं तुमको खाली पैसा देना है, तुम जो करो वो तो पढ़ा दिया उसको, नहीं है आप है मैच्योर है, आप कुछ भी पढ़ा दिए गार्जियन बेचारा सीधा ज्यादा समझ गया, जो कह दे वही समझ लेगा, उतना टीचर से कॉन्टेक्ट करेगा। कितने के गार्जियन आते हैं टीचर से मिलने, कितने के गार्जियन आते हैं, बहुत कम, ना के बराबर, टीचर से संपर्क ही नहीं करता है। ये सब आ गया और ये ऐसा है कि 2-3 साल बाद एकदम से ये पैरालाइज हो जाएगा, समझ गया, एकदम वो सब लड़का तो सोच भी नहीं सकता है आईटी ये सब के बारे में, सोच भी नहीं सकता। अरे इतना में मान लो इतना कैंडिडेट बैठता है, प्रयास तो सब करता है, जाएगा कितना, 5 लाख जाता है, 3 लाख जितना गया, मतलब एनआईटी ये सब लेकर के 25-50 हजार ये नहीं जाएगा जी, बैठता हुआ कितना 7-8 लाख सबको लगता है, कम नहीं बैठता हो, करता है ना जी। अगर नहीं भी वो किया तो वो जो पढ़ा वो क्या व्यर्थ जाएगा, आप कुछ पढ़ो नहीं किए ना आप जा पाइएगा कहीं, हर तरह से गरीब रह गया, विद्या भी नहीं है, किसी काबिल ही नहीं रह गया, समझे। अरे पहले संघर्ष तो कर ले, ट्राई तो कर ले, और ईमानदारी से करोगे तो दूसरे का हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा, ईमानदारी है ही नहीं कहीं कुछ नहीं। अब पढ़ाई में एकदम से ईमानदारी खोजता है, ये कहती है सरस्वती माता जब हम आए तो फिर और कोई नहीं है, देवी वैसे नहीं प्रसन्न होती है मुश्किल से, ठीक है। तो ये था A+B+C, अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एंगल है तीनों, अगर ये ए है जिसको ए माने, ये बी माने, ये सी माने, A+B+C पूछ रहा है, अगर 10+x बराबर है तो x बराबर 10a, y बराबर 10b, यहाँ डालिए 10a plus 10b plus 10c बराबर 10a into 10b into 10c, पहला रिजल्ट, तो a plus b plus c क्या होना चाहिए, n pi, प्रिंसिपल मान क्या होगा, 0, a plus b plus c बराबर 0। आप समझे हम क्या बोले, हम बोले आपको जो रिजल्ट दिया गया है उसमें था ना कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, a plus b plus c बराबर pi, देन वो तीनों जो हम बोल चुके हैं, लेकिन ये तीनों रिजल्ट a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो, पहले भी हम किए पाई हो, माइनस पाई हो, 2 पाई हो, माइनस 3, यानी कि जनरल n पाई हो, तो ये तीनों रिजल्ट कौन तीनों, 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a into 10b into 10c और बाकी दो और जो है, समझे, ये होल्ड करेगा, समझे। यहां पर क्या होना चाहिए, 10a plus 10b plus 10c बराबर 10a into 10b into 10c आ रहा है, तो a plus b plus c बराबर जनरल वैल्यू हो गया n pi, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, इनवर्स, हमें से न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल बताता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं, दिस वन, चीज का एक लिमिट होता है, हर फैकल्टी का अपना लिमिट होता है, उसके आगे वो जा ही नहीं सकता। आपको क्या चाहिए, किस स्तर का आप तैयारी कर रहे हैं, किस कंपटीशन का, उस हिसाब से आपको गुरु भी सिलेक्ट करना होगा, जिससे जिससे पढ़ोगे कहीं नहीं जाओगे। मैं कॉलेज में बहुत जगह पढ़ा रहा हूँ, ढेर सारा पढ़ा रहा हूँ, आपके अपने शहर में भी पढ़ा रहा होगा, कहे आगे जहां तहां जिससे जिससे शिक्षा ले लोगे नहीं होगा, सबका अपना लिमिट है, उसके आगे वो जा ही नहीं पाएगा, समझे। तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कुछ काफी मेहनत करे तभी आप जा सकते हैं, तो आपका लिमिट है वही रुक जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखा जाए, जितना भर हम अभी पढ़ा है उसी रूम छाट करके ले रहे हैं, जैसे इसको लिए तो फिर और आगे समझ, वैल्यू ऑफ छोटा छोटा ही सवाल, सवाल कभी मुश्किल नहीं पूछा जाता किसी भी परीक्षा में,
वो आप कम करते हो अभ्यास, इसीलिए वो आपको मुश्किल लगता है। आसान सवाल मुश्किल लगता है, किसको करें क्या, जानकारी का हुआ रूट अंडर 5/3। इनवर्स क्या है, एंगल है, गौर से देखिए क्या दिया हुआ, ये एंगल है, ये तो एंगल है, बोलिए ये थीटा हुआ, ठीक है, अगर ये थीटा हुआ, ठीक एंगल ही तो है, इसको थीटा अल्फा कुछ ले सकते हैं कि नहीं, अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा कितना हो गया, बोलिए रूट 5/3 होगा कि नहीं। अब आपको क्या पूछ रहा है, टेन थीटा बाई टू, अगर ये थीटा हुआ तो हाफ इंटू थीटा, तो टेन थीटा बाई टू पूछ रहा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 - cos θ 2 sin²θ/2, क्योंकि cos थीटा मालूम है, ट्राई कीजिए कि आपका जो निकाला वो cos में लिखा चला जाए, 1 - cos θ 2 sin²θ/2, 1 + cos θ 2 cos²θ/2, 2 2 = 10²θ/2, स्क्वायर रूट ले लोगे तो 10θ/2, बोलिए आप cos थीटा का वैल्यू रखो, कर पाइएगा नहीं कर पाइए, 5 √5 ये हो जाएगा 3 - √5/3 + √5, ठीक है। आप क्या करें, 3 √5 तो 3 - √5 है ना, नीचे वाले कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, है ना, ऊपर में हो जाएगा 3 - √5 का होल स्क्वायर, है ना, हो जाएगा, अरे इसी चीज से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, क्लियर, तो 3 - √5 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा 3 - √5, नीचे क्या हो जाएगा 3 + √5 × 3 - √5, a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 - √5 का स्क्वायर यानी कि 5, तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, क्लियर। हो गया,
आप जरा ये बढ़िया से याद रखिए कि जैसे वन प्लस साइन, ये साइन प्लस कॉस या फिर कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, समझ गए? और वन माइनस साइन, इसी में वन माइनस साइन, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, पहली बात याद रखिए, ठीक है? अब यहां जो एंगल होगा, यहां अगर आप थीटा लिखते हैं तो यहां डबल होगा, टू थीटा, ठीक है? ठीक है, अगर यहां आप थीटा बाई टू लिखते हो तो यहां उसका डबल साइन थीटा, समझे? ठीक है, बताए हुए है ना, ठीक है? बस ये ध्यान में, यहां एक्स, यहां पर उसका आधा एक्स बाई टू हो, ठीक है? ठीक है, तो वन प्लस, जैसे बताए थे वन प्लस कॉस टू कॉस स्क्वायर और वन माइनस कॉस टू साइन स्क्वायर, पहले पकड़ के रख फिर एंगल लिख लेंगे, है ना? यहां पर अगर थीटा होगा तो यहां पर उसका डबल होगा, जैसे यहां एंगल का यहां डबल, वन प्लस कॉस टू थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा, है ना? लेफ्ट हैंड साइड में डबल, समझे? वन प्लस कॉस टू कॉस स्क्वायर, वन माइनस कॉस टू साइन स्क्वायर, वन प्लस साइन, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, वन माइनस साइन, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, बस एंगल का खाली याद रखना है, ठीक है? यहां देखिए वन माइनस साइन डबल, इसका आधा थीटा, तो थीटा बाई टू, एक्स तो एक्स बाई टू, क्लियर? और हम बता दें आपको कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर आ जाए, फिर से हम बता दे रहे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर आ जाए तो क्या लिखते हैं? मॉड में लिखते हैं, क्लियर? फिर इस मॉड को खोलिए, मॉड एक्स, है ना? मॉड एक्स, एक्स लिखाता है अगर एक्स जीरो या जीरो से बड़ा है, और माइनस एक्स लिखाता है अगर एक्स, ठीक है? तो देखिए अब उसको भूल जाइए, आप यहां से याद रखिए स्क्वायर, है ना? ये एक्स लिखाएगा अगर एक्स जीरो या जीरो से बड़ा है, और माइनस एक्स लिखाएगा, ठीक है? यहां पर देखिए, फिर घुसा देते हैं दिमाग में और याद रखिएगा काइंडली, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर किसी चीज का स्क्वायर है, बेसिर पैर का काम मत कीजिएगा, सोच समझ करके खोलिएगा, बचपन से सीखते हैं प्लस माइनस एक्स, कभी ये सोचे नहीं कि प्लस कब और माइनस कब, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, कोई भी नंबर दो दो वैल्यू कैसे लेगा? जैसे लिखते हो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, आपको क्या लगता है? मतलब x 3 भी हो जाएगा, 3 से बड़ा भी हो जाएगा, ऐसा ही बात हो रहा है? अरे x कोई रियल नंबर है ना, बस उसके बारे में कह रहे, या तो ये 3 है या फिर 3 से बड़ा कोई नंबर है, मतलब ये 3 से कम नहीं होगा, बस सिर्फ ये इतना बताता है, 3 होगा नहीं तो 3 से बड़ा होगा, बस इतने बताता है, either x is equal to 3 और x greater than 3, या तो ये 3 है नहीं तो फिर 3 से बड़ा कोई ना कोई एक होगा, ये 3 भी हो जाएगा, 3.5 भी हो जाएगा, 4.25 भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, समझे? वही चीज है यहाँ पर, ये प्लस माइनस एक्स जरूर दोनों को शामिल कर देंगे तो प्लस माइनस एक्स, लेकिन है ना भाई कब प्लस एक्स कब माइनस एक्स, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर हो, और ये बेस को देखो, बेस के बारे में अगर कुछ कहा गया है तो सोच समझ करके खोलेंगे, अगर कुछ नहीं कहा गया है ये पॉजिटिव वैल्यू लेकर के, समझे? अगर कहा गया है स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज स्क्वायर में फंसा है, ठीक है, जो चीज इसका स्क्वायर है, इसको देखो, ये अगर नेगेटिव भी हुआ तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव हुआ तो भी, लेकिन ये तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ना, ये पॉजिटिव होगा है, लेकिन ये मेरा हाथ देख रहे हैं हम किसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है? एक्स पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, हम एक्स की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट में जिस चीज का स्क्वायर है पहले उसको देख लो, अगर वो हर हाल में पॉजिटिव ही है, इतना बराबर सिर्फ ये लिखिएगा, ये कतई नहीं लिखिएगा, होगा ही नहीं, ठीक है? अगर ये नेगेटिव है, ठीक, अगर ये नेगेटिव है, है तो ये बराबर सिर्फ ये लिखिएगा, ये नहीं लिखिएगा, समझे? जैसे अगर आपको दिया हो एक्स लेस देन वन, ऐसा दिया हुआ और आपको आ गया कैलकुलेशन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है? ये बड़का एक्स की जगह पर क्या है, एक्स माइनस वन, और एक्स के बारे में कहा गया एक्स का वैल्यू जो है वन से कम है, ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा?
नेगेटिव होगा तो स्क्वायर रूट है ना, जब ये बेस नेगेटिव हो जाए इतना बराबर क्या लिखते हैं, ये लिख करके पीछे माइनस लगाते हैं, ठीक है, ये लिखेंगे पीछे माइनस, समझ गए, यानी कि माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। चलिए जब भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर आए सोच समझ करके खोलिएगा तो वहां पर है ये कॉट इनवर्स, ये हो गया साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ठीक है। अब आप आ जाइए वहां पर देखिए x दिया हुआ 0 से पाई बाई टू, आपका जो कैलकुलेशन में x तो पीछे छोड़ गया, आप क्या आ रहा है x बाई टू आ रहा है, x के बारे में आप x बाई टू निकाल लीजिए, x बाई टू क्या होगा 2 से डिवाइड कर दे 0 x बाई टू पाई बाई फोर, ये जो एंगल है 0 से पाई बाई फोर के बीच का। अब याद कीजिए ये डायग्राम जो हम बताए थे, शायद ये याद हो, ये आपका ड्यूटी है, इस गैप में ये रहा माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, बीच में ये जीरो है ना, इस गैप में याद कीजिए साइन प्लस कॉस पॉजिटिव और साइन माइनस कॉस, ठीक है, अभी तो क्या जीरो से पाई बाई फोर इस गैप में है, इस पूरे गैप में साइन माइनस कॉस, इस पूरे गैप के मिल के लिए साइन माइनस कॉस नेगेटिव और साइन प्लस कॉस पॉजिटिव, ठीक है, साइन प्लस कॉस एक्स बाई टू जीरो से पाई बाई फोर के बीच इसी गैप का एक्स बाई टू साइन प्लस कॉस पॉजिटिव और ये नेगेटिव, स्क्वायर रूट के अंदर जिस चीज का स्क्वायर है वो नेगेटिव है, ठीक, ये माइनस साइन के साथ, ठीक है, माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, क्लियर, ये तो पॉजिटिव है जो का जो पर जाएगा साइन एक्स बाई टू, ठीक है, उसी तरह से नीचे माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस, समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर ये जो कहते हो चूंकि पीछे माइनस है तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं, समझे, ये क्या हो गया कॉट इनवर्स साइन एक्स बाई टू कट जाएगा टू कॉस एक्स बाई टू और नीचे कॉस एक्स बाई टू कटेगा माइनस टू साइन एक्स बाई टू, 2 cos x by 2 by minus 2 sin 2 2 cancel होगा minus cot x by 2, ठीक है, अब x by 2 0 से power 4 के बीच का एंगल है, नहीं है तो cot x by 2 क्या होगा, फर्स्ट पॉजिटिव होगा, अब पीछे माइनस है ये नेगेटिव है, ठीक है, तो कॉट इनवर्स के आगे का फिगर नेगेटिव है, कॉट इनवर्स करें हाँ जीरो से पाई, उसमें जीरो और पाई को छोड़ कर, समझे, अभी नेगेटिव है तो ये किस क्वाड्रेंट का एंगल बताएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का बताएगा, नहीं है पाई बाई टू से पाई के बीच का एंगल बताएगा, ठीक है, एक और चीज जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं कल भी बताए थे, तो तीन में जो माइनस सीधे बाहर आ जाता है वो है साइन इनवर्स टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, तीन में माइनस साइन बाहर आता है लेकिन पाई जुड़ जाता है, समझे, उसमें कॉट इनवर्स भी है, मतलब अभी हम बताएंगे आपको कैसे होता है, एक ये तरीका भी जाना, सर कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये माइनस तो निकालिए माइनस कॉट इनवर्स है, इसमें पाई जुड़ जाएगा, समझ गए, ठीक है, यहाँ साइन इनवर्स रहता तो सीधे का ये पाई नहीं रहता, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर सोचे तो कॉट इनवर्स माइनस ये पूरा एक्स समझिए कैपिटल एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, ठीक है, अब कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स ही हो जाएगा अगर एक्स जीरो से पाई के बीच का हो, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू ही हो जाएगा अगर एक्स बाई टू जीरो से पाई के बीच का हो, ऐसा है x by 2 0 से पाई के बीच का ही एंगल है, समझे,
ये क्या हो गया पाई माइनस एक्स वाई टू। वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाते पाई माइनस अल्फा, दिस इज अल्फा है ना, नेगेटिव है ये एंगल, नेगेटिव है ना जी, कॉट इनवर्स का ये जो नंबर है नेगेटिव है, कॉट इनवर्स का आगे नेगेटिव है तो बराबर में सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये एक्स वाई टू तो सेकंड क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स वाई टू, नहीं समझे। तीन हम जिसमें जिसमें माइनस वो है उसी अकॉर्डिंग वो याद रखिएगा, जिसमें माइनस निकल जाता है वो एक साथ लिखे हैं, जिसमें पाई जुड़ जाता है वो एक साथ, ठीक है। हम एक एक दोनों से प्रूफ करते हैं, ठीक है। मान लो हम एक ये लेते हैं इतना बराबर ये होगा, और एक कोई लेते हैं मान लीजिए हम यही लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो माइनस एक्स बराबर थीटा, टेन वर्स के बराबर जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या होगा माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू, ये सब लिखना या सोचना मत भूलिएगा, समझे, आधा अधूरा काम मत कीजिएगा, ठीक है। ऊपर ऊपर मत पढ़िए, गहराई से पढ़िए, हम कहें इतना पढ़ने कतई जरूरत नहीं, आप इतने पढ़ करके इतना का मालिक बन सकते हैं, नहीं तो इतना पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। जहां क्वालिटी नहीं है तो क्वांटिटी पर जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए दिन रात बैठे मतलब गधे गधा वाला मेहनत कीजिए, ठीक है। और उससे कभी स्मार्ट बन ही नहीं पाई, धड़ाक गधे ना रहेगा जी, कितनों चमका दे मतलब वैसे वो पढ़ाई पढ़ोगे मत, ठीक है। अब ये टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, वाह ठीक है। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, माइनस टेन थीटा को आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इनवर्स लिखने का बारी, ठीक है। अब इनवर्स लिख, जैसे इनवर्स लिखने का बारी आए, ठीक है, जैसे आप अगर हम लिखे तो ये टेन इनवर्स एक्स हम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे इनवर्स किसी चीज का लिखिएगा जिसका इनवर्स, अभी टेन इनवर्स है जिसका रेंज जो है एकदम फटाक से दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि इसके बराबर में है ना, इतना बराबर है ये तो है ना, तो टेन इनवर्स एक्स बराबर लिख सकते हैं, लेकिन हमें से नहीं लिख सकते, इनवर्स हमें से डिफाइन नहीं होता है। आपको क्या पता है टेन इनवर्स के बराबर में जो कुछ भी लिखिएगा
वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच का एंगल होगा, ठीक है। ऐसे ही आ जाए कॉट इनवर्स है, मतलब कॉट आ जाए। अब इनवर्स लिखने जा रहे हैं, कॉट इनवर्स का रेंज याद आना चाहिए। कॉट इनवर्स को लिख दिए बराबर में, उसके जो भी लिख रहे हैं वो उसके रेंज में आना चाहिए। अगर नहीं है तो मत लिखो, इनवर्टिबल होगा कि वहां पर, समझ गए। तो अभी क्या है आपको लिखने के लिए क्या मिला, टेन वर्स एक्स के बराबर लिखने के लिए क्या मिल रहा है, माइनस थीटा लिखने को मिल रहा है। आप सर्च कर लिए कि माइनस थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच है कि नहीं। यहाँ पर है थीटा, माइनस वन से मल्टीप्लाई कीजिए तो इनइक्वालिटी पलट जाएगा, ये पाई बाई टू हो जाएगा। इनइक्वालिटी नेगेटिव नंबर से गुना भागा करने पर इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, माइनस थीटा ये पलट जाएगा। मतलब माइनस थीटा सीधा करके लिखिए, माइनस पाई बाई टू छोटा नंबर है, पाई बाई टू बड़ा नंबर है। बाया लिखते हैं छोटा, दाया लिखते हैं बड़ा, चीज यही है। माइनस थीटा माइनस पाई बाई टू से बड़ा दिख रहा है, माइनस थीटा इज ग्रेटर देन माइनस, ये भी लिख रहे हैं इसे, माइनस थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू, माइनस थीटा लेस देन पाई बाई टू, माइनस थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच ही है। इसलिए टेन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा लिखने में कोई दोष नहीं है, समझे। अब इसको माइनस को धन ट्रांसफर कर दीजिए और थीटा की जगह पर वापस क्या लिख दीजिए, थीटा की जगह पर क्या लिखिए, टेन इनवर्स है नहीं होगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स। So, tan inverse minus x बराबर minus tan inverse x ऐसे ही होगा, clear? तीन में माइनस बाहर आ जाता है ना, तीन में जैसे tan inverse minus half लिखा हुआ था, minus tan inverse half लिख दिए, ठीक है, sin है ना, cos inverse minus half लिखा रहेगा, क्या लिखिएगा आपको वो cos inverse minus half, ये minus जरूर निकाल लीजिएगा, minus cos inverse half लिखिए है ना, और इसमें pi जोड़ दीजिए, समझे। चलिए निकाल जाए ये, इसको देख cot inverse minus x equal to theta, cot करेंगे बोली 0 से pi, cot inverse minus x बराबर theta लिखे हैं तो theta हो जाएगा 0 से pi के बीच का, clear। minus x बराबर cot theta मतलब minus cot theta बराबर x, clear, ठीक है। यस सर, तो देखिए माइनस कॉट थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, नहीं पता। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा वाई साइन थीटा, ठीक है ना, तो थीटा की जगह तो माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये होगा, होगा। तो आप cot of minus theta अगर लिखिएगा, cot of minus theta अगर लिखिएगा क्या होगा, cos minus theta by sin minus theta, बोलिए cos minus theta cos theta ही हुआ, sin minus theta minus sin theta हो गया, minus cot theta हो, समझ गए, ये क्या हो गया, minus cot theta हुआ, अरे ये minus ऊपर कर दिए हुआ, cot तो minus cot theta आपको जैसे उसमें लिखे cot minus theta आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये cot अब इनवर्स लिखने का बात, ठीक है, cot इनवर्स x लिख दिया, बराबर में लिखने को क्या मिल रहा है, माइनस थीटा, तब जैसे इनवर्स के बराबर जो लिखने का है तो cot इनवर्स का रेंज सोच लीजिए, कहां का cot इनवर्स x के बराबर जो कुछ भी लिखेंगे वो 0 से pi के बीच का एंगल होना चाहिए। अब cot inverse x के बराबर लिखने को क्या मिल रहा है, माइनस थीटा, तो माइनस थीटा आप देख लीजिए 0 से पाई के बीच का है कि नहीं, एक बार नहीं समझे दोबारा समझा रहे हैं, अब कितना बार समझाएं, हर वो चीज पूरी की पूरी बात रिपीट कर रहे हैं, अब नहीं है तो सर कोई उपाय नहीं, ठीक है। जब भी इनवर्स लिखेंगे किसी भी चीज का, वहां भी बताया है आपको tan inverse x लिख रहे हैं, tan inverse का रेंज आना चाहिए दिमाग में, अब वही नहीं पता है तो फिर लोग कोई क्या कर लेगा,
समझे, अब वो आता थोड़ी, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, मन मारना पड़ता है, बैठना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, उसे थोड़ी हो जाता तो सब पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो cot inverse x लिखे। अब ये लिखने से पहले अगर रेंज में आएगा cot inverse x के बराबर लिखने को मिलता माइनस थीटा, ये माइनस थीटा लिखना तब ये जायज है जब माइनस थीटा इसके रेंज में आएगा, यानी जीरो से पाँच, देखिए वहां पर थीटा है। ठीक है, तो माइनस थीटा कहां से कहां चला जाएगा, माइनस वन से गुणा कर रहे हैं, अब हम बार बार वो नहीं करेंगे, माइनस फाइव से जीरो के बीच चला जाएगा, समझ गए। ठीक है, नहीं है जीरो से पाई के बीच में माइनस थीटा। ठीक है, इसलिए cot inverse x बराबर माइनस थीटा नहीं लिखेंगे, उसमें था रेंज में, माइनस थीटा उसी रेंज में आया इसलिए लिख दिए, इसमें नहीं लिखेंगे। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको है किसमें, तो cot inverse x दिया हुआ है यहां पर, है ना, तो x क्या हो जाएगा आपका, अच्छा cot inverse का डोमेन क्या होगा, माइनस इनफिनिटी से प्लस, है ना, cot inverse का आगे अगर x लिखा रहा था तो माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, x तो माइनस x भी माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, डोमेन रेंज सबका एकदम पक्का रहना चाहिए, समझ गए। sin inverse के आगे क्या लिखा सकता है, क्या नहीं लिखा सकता है, समझ गए, कहां तक लिखा सकता है, है किससे बड़ा किससे छोटा, और ये बराबर में कहां से कहां तक जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा। अब देखिए इसमें, अब ये माइनस थीटा तो नहीं लिख पाएंगे, तो फिर लिखेंगे कैसे, देखिए cot inverse के रेंज में माइनस थीटा किसमें चला गया, माइनस पाई से जीरो, माइनस पाई से जीरो कंप्लीटली नेगेटिव एंगल है, माइनस पाई से जीरो कौन कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये और ये, बोलिए। अगर हम इसमें लेते हैं, ठीक है, अगर ये एंगल इसमें है, ठीक है, अरे ये और ये होगा कि नहीं, थर्ड और फोर्थ में उल्टा, यहां से आएंगे माइनस फाइव, माइनस फाइव से आगे बढ़ेंगे जीरो पर जाएंगे, ये और ये होगा, समझ गए। ठीक है, तो अगर इसमें लिए तो इस क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ ये एक्स क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव होगा, नहीं होगा, तो जब cot inverse के आगे ये चीज क्या है x, तब नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर ये एंगल माइनस थीटा है ना, यहाँ पर देखिए माइनस थीटा अगर थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में है तो cot ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वार्टर में, तो cot ऑफ माइनस थीटा यानी कि ये पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव मतलब cot inverse के आगे तब नेगेटिव है, cot inverse का आगे नेगेटिव, तो बराबर में एंगल किस क्वार्टर का लेते हैं, इस क्वार्टर का, आपको इससे उसमें जाना होगा, क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जोड़ करके, तो पाई के करीब का ये एंगल हुआ, नहीं है, इसमें प्लस पाई माइनस पाई जोड़ने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि एंगल आपका नेगेटिव है, नेगेटिव इसलिए नहीं है कि माइनस लगा हुआ, नेगेटिव इसलिए है कि थीटा पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा, तो माइनस थीटा नेगेटिव होगा, है ना, अगर थीटा नेगेटिव रहता तो माइनस थीटा पॉजिटिव हो जाता, समझे, तो ये नेगेटिव है एंगल, इसको भेजना है उसमें प्लस पाई या माइनस पाई में से एक जोड़ेंगे, चूंकि एंगल आपका नेगेटिव है इसलिए प्लस पाई जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें पाई जोड़ दीजिए, माइनस थीटा जो पाई तो कितना हो गया, पाई माइनस थीटा, अगर आप इसमें लेते हो माइनस थीटा, ठीक है, इसमें है माइनस थीटा चला गया किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो cot थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल का cot यानी कि x क्या होगा, पॉजिटिव cot है ना, तो x आपका cot inverse के आगे ये जो लिखा ये है पॉजिटिव, तो बराबर में एंगल लिखेंगे, ये भी पाई के नजदीक का एंगल हुआ, नहीं है, प्लस पाई माइनस पाई जोड़ने के बारे में सोचेंगे और पाई ही जोड़ेंगे क्योंकि एंगल नेगेटिव है, सो इन आइदर केस इट इज पाई माइनस थीटा, समझे, तो क्या हो गया, थीटा बराबर पाई माइनस cot inverse x, ठीक है, थीटा की जगह पर वापस क्या लिखिएगा, cot inverse माइनस x, ठीक है, जो उपाय जोड़ते हैं सब बता दिया, बाकी आप चाहे अगर और स्मार्ट बनना चाहते हैं तो जो चार हम छोड़े हैं उसको खुद से दे रहा, ये सवाल ही हुआ सामर्थ है तो छह को बाकी चार आपको अपने से प्रूव कर लेना चाहिए, नहीं तो याद करना चाहिए।
साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री है, टेन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री है, सेक और कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सब एंगल ही तो है, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कहला, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं साइन और कॉस को, टेन और कॉट को, है ना, दो एंगल जिसको जोड़ने से 90 डिग्री आ जाए वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसलिए है ना साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जोड़ने से 90 डिग्री आएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, इसलिए इस फंक्शन को साइन और कॉस को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, लिखा होंगे टेन और कॉट को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, सेक और कोसेक को कॉम्प्लीमेंट्री, माइनस 5/2 से प्लस 5/2 के बीच का, ठीक है, तो टेन थीटा बराबर एक्स हुआ, हुआ ठीक है, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स, हुआ लिखते नहीं चाहिए, देखिए जो भी लिखेंगे वो सोच समझ करके, क्योंकि cot inverse x के बराबर लिखने जा रहे हैं, ठीक, cot inverse x के बराबर में क्या लिखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है, अगर ये पकड़ लिए तो बहुत सहूलियत होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं, बार बार एक ही चीज समझा रहे हैं, ठीक है, जब भी इनवर्स लिखेंगे, ठीक है, उसका रेंज याद आना चाहिए, सोच समझ करके लिखेंगे, यहां तक ठीक आए, जानते cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा होगा, लिख दिए इसको, अब इनवर्स लिख रहे हैं, cot इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई, दोनों को छोड़ करके, तो cot इनवर्स x बराबर क्या लिखने को मिल रहा है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, मत लिखिए अभी, पहले वेरीफाई कर लीजिए कि पाई बाई 2 माइनस थीटा cot इनवर्स x के रेंज, इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं, मतलब 0 से पाई के बीच में आ रहा है, अगर है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, जैसे उसमें किए थे घुमाए थे ना, ठीक है, तो देखिए यहां पर थीटा आ रहा है ना, है तो माइनस थीटा क्या है, माइनस थीटा प्लस पाई बाई 2, ठीक है, तो थीटा अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है तो माइनस थीटा भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही रहेगा, माइनस थीटा में क्या जुटा हुआ, पाई बाई 2 पूरे में पाई बाई 2 जोड़ दीजिए, पूरे में पाई बाई 2 जोड़ दिए, आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा, चूंकि 0 से पाई के बीच का एंगल है इसलिए cot inverse x बराबर ये जो लिखने को मिल रहा है ये नाजायज नहीं, जायज है, ठीक है, तो क्या हो गया, थीटा उधर कर दिया, तो थीटा प्लस cot inverse x बराबर पाई बाई 2, क्लियर, थीटा प्लस cot inverse x बराबर पाई बाई 2 हुआ, थीटा की जगह पर क्या लिखिएगा, tan inverse x, ऐसे ही बाकी दो कर सकते हैं आप, कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा कोई जरूरत है,
सुबह हो जाएगा खत्म ज़्यादा भी देर नहीं तो उसमें टेंशन ही नहीं रहेगा उसमें मना नहीं है कुछ कर देंगे आगे करेंगे बाद में सीधा तैयार होना है चल दें ऐसे मेरे साथ लगा हुआ है समझे आप मेरा इंतजार कर लो हो गया ये साइन इनवर्स 1 बाय एक्स बराबर कोसेकेंट मतलब ये हुआ आप यही पर 1 बाय एक्स लिखते थे यहाँ पर एक्स लिखते मतलब साइन इनवर्स के आगे जो लिखा हुआ है उसको उलट करके कोसेकेंट वर्स के आगे लिख दो समझ गए जैसे साइन इनवर्स जो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हो गया नो बात उसी तरह से cos इनवर्स के आगे जो लिखा हुआ रहेगा उसको sec इनवर्स के आगे उलट करके लिखना या sec इनवर्स के आगे जो लिखा हुआ रहेगा वो बस एक जो है इसका ये चार तो हो गया बचा दो tan इनवर्स और बस इसमें खाली याद रखना है tan इनवर्स 1 / x बराबर cot इनवर्स x if x पॉजिटिव x अगर पॉजिटिव है तो 1 / x भी पॉजिटिव होगा बोलिए x अगर पॉजिटिवली है तो 1 / x भी पॉजिटिव होगा कि नहीं तो कहने का मतलब है कि tan इनवर्स के आगे अगर पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है तो उसको उलट करके cot इनवर्स के आगे लिख सकते हैं या फिर cot इनवर्स के आगे पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है तो उसको उलट करके tan इनवर्स के आगे लिख सकते हैं है ना जैसे cot इनवर्स 2 लिखा हुआ है तो उसके जगह पर tan इनवर्स 1 / 2 लिख देंगे क्लियर और अगर x नेगेटिव है अगर x नेगेटिव है तो 1 / x भी नेगेटिव होगा मतलब tan इनवर्स के आगे जो लिखा हुआ है वो अगर नेगेटिव है तो उसको उलट करके cot इनवर्स के आगे लिख दीजिए लेकिन माइनस पाई जोड़ना मत भूलिएगा समझ गए पॉजिटिव रहे तो सीधे उलट करके लिख देना है नेगेटिव रहे अब वही है अगर cot इनवर्स के आगे नेगेटिव है तो cot इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा ये इधर कीजिए पाई प्लस tan इनवर्स 1 / x समझे मतलब cot इनवर्स के आगे जो लिखा वो अगर नेगेटिव है तो उसको उलट करके tan इनवर्स के आगे लिख दीजिए और पाई जोड़ दीजिए देखिए भेजा इस्तेमाल कीजिएगा हम इधर का उधर कर रहे हैं इधर ये रहेगा पाई प्लस समझ गए ठीक है हम ये समझा रहे थे कैसे होगा ये सब सीधा सीधा है ये दोनों कर देते हैं ठीक है x greater than 0 थीटा मान लिए tan इनवर्स 1 / x एंगल है थीटा मान लिए तो tan थीटा बराबर 1 / x तो थीटा के बारे में लिखिए x पॉजिटिव है तो 1 / x भी पॉजिटिव हो tan इनवर्स के आगे पॉजिटिव नंबर है तो थीटा कहां से कहां तक होगा 0 से पाई / 2 बोलिए 0 पाई / 2 तो खैर होता ही नहीं tan इनवर्स में लेकिन यहां पर 0 भी नहीं होगा क्यों इसलिए कि tan इनवर्स 0 0 होता है tan इनवर्स के आगे 0 रहेगा तब एंगल 0 होगा और ये कभी 0 होगा ही नहीं ऊपर न्यूमरेटर में 1 बैठा हुआ 0 थोड़े होगा कोई भी फ्रैक्शन 0 कब होता है जब न्यूमरेटर 0 हो ठीक है ये 0 नहीं होगा इसलिए थीटा भी 0 नहीं होगा ठीक है तो tan थीटा बराबर तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा x होगा अब इनवर्स लिखने का बात है इनवर्स तो लिख लेंगे इधर नहीं लिखेंगे ठीक है बार बार वो चीज हम नोटिस करवा रहे हैं आपको कि है ना तो cot इनवर्स x बराबर क्या लिखने को मिल रहा है थीटा तो cot इनवर्स के आगे क्या है x पॉजिटिव है cot इनवर्स करें 0 से पाई 0 पाई को छोड़ करके cot इनवर्स के आगे अगर पॉजिटिव आए तो एंगल होना चाहिए 0 से पाई / 2 के बीच का cot इनवर्स के आगे पॉजिटिव है तो बराबर में क्या लिखने को मिल रहा है थीटा तो थीटा को होना चाहिए 0 से पाई / 2 के बीच का वो है
है ना, इसलिए cot inverse x बराबर थीटा लिखने का संदेश सुमेर सिंह थीटा की जगह पर वापस tan inverse 1 minus sin ठीक है, जब x नेगेटिव है तब क्या देख लीजिए, पहले x नेगेटिव है 1 by x भी नेगेटिव हुआ, tan inverse का भी नेगेटिव आ गया, बराबर में लिखे हैं थीटा, थीटा होना चाहिए माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच का होगा, tan inverse करेंगे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, क्लियर, पॉजिटिव रहे तो जीरो से पाई बाई टू, नेगेटिव रहे तो माइनस पाई बाई टू से जीरो, ठीक है, तो tan थीटा बराबर 1 by x cot थीटा बराबर x, ठीक है, इनवर्स लिखने का बारी है।